हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही खास है और न्यूज़ में है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे ट्रस्ट IS चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट इसलिए लेके आई है क्योंकि अब से फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा, मतलब सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट्स किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के टारगेट्स भी अचीव करने हैं। इंडिया ने UNO को अपना क्लाइमेट चेंज प्लान सबमिट करते समय ये कहा है कि 2030 तक हम अपने कार्बन एमिशंस को कम कर देंगे। ग्लोबल वार्मिंग टारगेट्स को अचीव करने के लिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारा कार्बन सिंक बढ़ सके। हमारे देश को एडिशनल 2.5 बिलियन टन्स से 3 बिलियन टन्स कार्बन अब्सॉर्ब करने के हिसाब से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अनुसार ये टारगेट 2030 तक इंडिया द्वारा अचीव हो जाना चाहिए। फॉरेस्ट्स में इतनी क्षमता होती है कि वो कार्बन सिंक की तरह से काम करते हैं। ये कार्बन सिंक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करने में हमारी मदद करते हैं। इस एक्ट के आने से फॉरेस्ट को आसानी से बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नॉन फॉरेस्ट यूज में लाया जा सकेगा। नए अमेंडमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट अब इन फॉरेस्ट को हटा के यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करवाएगी, रेलवे लाइंस भी बनाएगी और फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक और बात जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नज़दीक के जोन्स में लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एरियाज काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली फ्रजाइल हैं, वल्नरेबल हैं। ये फॉरेस्ट एरियाज जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास हैं, फ्लोरा एंड फौना में काफ़ी रिच हैं, यानी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। हर तरह की स्पीशीज यहाँ मिल जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज के। यहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम इतना ज़्यादा सुंदर और फायदेमंद है कि हम इसे खो नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के आते ही हमारे देश के 28% फॉरेस्ट्स इस रिस्क में आ जाएंगे कि उनको नॉन फॉरेस्ट यूज में डाइवर्ट कर दिया जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया था ताकि हमारे वनों को डीफॉरेस्टेशन से बचाया जा सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार अब से सिर्फ दो ही तरह के लैंड्स को फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। एक है वो लैंड जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 द्वारा फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, दूसरा है वो लैंड जिनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 द्वारा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, या तो अक्टूबर 25, 1980 को या उसके बाद। मतलब अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक वन को फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया गया है तो वो अब भी फॉरेस्ट ही रहेगा। इन दोनों कैटेगरीज के अलावा बाकी कोई भी फॉरेस्ट अब आसानी से नॉन फॉरेस्ट यूज में लाया जा सकता है बिना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा दिए जाने वाले क्लियरेंस के। कहा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट्स गोदा वर्मन केस के जजमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो गोदा वर्मन केस में दिया गया था। गोदा वर्मन केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के दायरे को और भी ज्यादा वाइड कर दिया था क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 द्वारा सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट को ही फॉरेस्ट माना जाता था
और सिर्फ इन्हीं के डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगाई गई थी। इसकी वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन का पर्पस ही डिफीट हो रहा था। लेकिन गोदावर्मन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि हर तरह के फॉरेस्ट को अब कंजर्व किया जाएगा। मतलब गोदावर्मन जजमेंट ने फॉरेस्ट की इंटरप्रिटेशन को ही वाइड कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होगी उसको फॉरेस्ट मान लिया जाएगा, चाहे वो पब्लिक लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो। गोदावर्मन केस में जुडिशियरी ने एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से काम किया था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इंटरवीन किया था। अब हम बात करते हैं एक और एक्ट की। ये एक्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस एक्ट के अनुसार लोकल कम्युनिटीज के कंसेंट के बिना उनके फॉरेस्ट एरिया में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया जा सकता है। लेकिन रीसेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट से लोकल कम्युनिटीज के राइट्स पे भी असर पड़ेगा। अब उनकी कंसेंट का कोई खास स्कोप नहीं रह गया है, यानी अब उनसे बिना पूछे भी कोई नया प्रोजेक्ट नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए शुरू किया जा सकता है। अमेंडमेंट्स के अनुसार अब हमारी गवर्नमेंट प्लांटेशंस और एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देगी। इससे कार्बन सिंक बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। जूज, सफारीज, इको टूरिज्म जैसे प्रोजेक्ट्स को अब हमारी गवर्नमेंट एनकरेज करेगी। इनको बनाने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत नहीं होगी, इनको एग्जेम्पशन दे दी गई है। हमारी गवर्नमेंट प्लांटेशंस और एग्रोफॉरेस्ट्री को एनकरेज करना चाहती है, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट्स एक कार्बन सिंक का काम वैसे नहीं कर सकेंगे जैसे नेचुरल इकोसिस्टम्स करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को। गवर्नमेंट के अनुसार ये नए अमेंडमेंट्स ट्री कवर को बढ़ाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे ट्रस्ट आईएस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।